वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 6 जुलाई 2021 है और प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टी इंपोर्ट के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूएसए के बारे में, गोमती प्रोजेक्ट केस और यूएई के होप और वेटर के बारे में। पहला टॉपिक है टी इंपोर्ट यानी कि चाय के आयात से संबंध। दरअसल यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया के द्वारा कहा गया कि जनवरी और मार्च के बीच, यानी कि 2021 में जनवरी और मार्च के बीच ये जो हमारा चाय का आयात है वह काफ़ी बढ़ गया है। कितना? 139%, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी बीच में यह भी कहा गया कि जो हमारा आयात है वह पिछले वर्ष 2.49 मिलियन किलोग्राम था, जो बढ़कर कितना हो गया, 5.96 मिलियन किलोग्राम, यानी कि लगभग 6 मिलियन किलोग्राम हो गया है, यानी कि इससे 1.5 गुना ज़्यादा है। इतना ही नहीं, हमारा जो चाय का जो निर्यात था वह भी इस दौरान घटा है, यानी कि जनवरी और अप्रैल के बीच ये जो निर्यात कितना किया हमारे तरफ से, 58 मिलियन किलोग्राम, जबकि इसी दौरान पिछले वर्ष कितना किया गया, 61.13 इतना निर्यात किया गया था, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी कम है। तो अब जानते हैं कारण क्या है। दरअसल हमारे यहाँ जो चाय उत्पादन किया जाता है उसमें जो 50% जो प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है किसान, वो क्या है, स्मॉल है, यानी कि छोटे स्मॉल फार्मर है, और इसमें भी 70% जो है महिलाएं आती है। और जबकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन और इस प्रकार की जो आर्थिक स्थिति बनी है, जिस कारण से इसमें लागत जो है वह बढ़ गया है और मजदूरी की भी लागत काफ़ी बढ़ गई है ना, क्योंकि मजदूर तो मिल नहीं रहे, मजदूर भी गाँव लौट गए हैं, जिस कारण से ये इनकी लागत काफ़ी अधिक बढ़ गई है। और इसका प्रभाव पड़ा कि ये जो चाय का उत्पादन है वह कम हो गया। ये तो हुआ पहला पक्ष। दूसरा पक्ष देखिए कि ये जो आसियान है उनके साथ भारत ने 2009 में, यानी कि आसियान राष्ट्रों के साथ भारत सरकार के द्वारा 2009 में एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसके तहत हमारा जो टी मार्केट है यानी कि चाय का जो बाज़ार है उसे इन देशों यानी कि आसियान राष्ट्रों के लिए खोल दिया था। अब वहाँ दो प्रोड्यूसर जो देश हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम, उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहा, क्योंकि ये जो मार्केट खोला गया तब से यानी कि 2009 से ये जो चाय का आयात होता है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगते थे उसे काफ़ी कम कर दिया गया, जिस कारण से ये क्या हुआ कि इनके यानी कि आसियान राष्ट्रों के ये जो दो देश है इंडोनेशिया और वियतनाम, इनके चाय यहाँ पर ये जो मार्केट इंडियन मार्केट उसमें भरमार हो गई। इतना ही नहीं, ये जो नेपाल है यानी कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, उसके साथ हमने साफ्टा किया है, तो उसके कारण उस पर जो ड्यूटी लगती है वह 0%, यानी एक भी कर इस पर नहीं लगाया जाता। अब सोचिए हमारे यहाँ चाय का उत्पादन कम हुआ, अभी आपने जाना क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50% स्मॉल प्रोड्यूसर है और उनके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो उत्पादन सही ढंग से कर सके। और जबकि ये जो उत्पादक राष्ट्र हैं बड़े बड़े, ये क्या है, भारत में भेजते जा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ चाय का उत्पादन 100 रुपया किलोग्राम, वैसे तो भी 300 और 500 भी है, तो मान लीजिए 100 रुपया केजी पड़ रहा है, जबकि आयात करने में वह पड़ रहा है 80 रुपया या 70 रुपया किलोग्राम। तो यहाँ की कंपनियाँ ये भारतीय किसानों से खरीदेगी या फिर विदेशों से, उनको तो फ़ायदा चाहिए, वो क्या करेंगे, वो विदेशों वाले चाय को खरीद करके यहाँ पैकेज करके आपको सेल करेंगे। तो इस कारण से क्या हो रहा कि आयात जो है वह काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एसोसिएशन के द्वारा कहा भी गया कि जो इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है वह हमारे किसानों के लिए और हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और एक एक्ट है टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 2005, इसे लागू किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं चाय के उत्पादन के बारे में। तो ये जो टॉप 3 प्रोड्यूसर कंट्री है, पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया और तीसरा है केन्या। जबकि राज्यों में बात करेंगे देश के अंदर, तो उसमें प्रथम स्थान पर असम है, दूसरे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। नेक्स्ट टॉपिक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। दरअसल आज इनका जन्मदिवस है यानी कि 6 जुलाई, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब नेहरू कैबिनेट में इन्हें इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने नेहरू लियाकत जो पैक्ट हुआ था उसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मंत्रालय से निकल करके इन्होंने भारत संघ पार्टी बनाई थी। तो जानते ये जो नेहरू लियाकत है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो दरअसल नेहरू लियाकत ये समझौता किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच। दरअसल उस समय जो सिचुएशन था वो काफ़ी जटिल हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ से दंगे हो रहे थे, है ना। तो उस समय नेहरू और लियाकत के बीच एक समझौता किया गया। उसमें मुख्य बातें थी, जैसे कि पहला है शरणार्थियों संबंधित, यानी कि जो शरणार्थी हैं वे अपने प्रॉपर्टी को अपने देश में, यानी कि भारत या पाकिस्तान में जा करके ले सकते थे। दूसरा है कि जो महिलाओं को अपहरण किया गया है या संपत्तियां लूटी गई थी उनको वापस करना था एक दूसरे, मान लीजिए पाकिस्तान वाले लोग तो इंडिया को, इंडिया वाले पाकिस्तान को। तीसरा है कि ये जो कन्वर्जन किया है, धर्मांतरण किया जा रहा था, उसे रोक लगाया गया था। और जो अल्पसंख्यक थे, दोनों देशों में अल्पसंख्यक है ना, तो दोनों, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहाँ यहाँ जो है मुसलमान अल्पसंख्यक है, तो इनके सुरक्षा की बात की गई। देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना एक्ट, लेकिन ये जो भारत है इसके तरफ से तो इसे सही ढंग से लागू किया गया, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से इसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट से। आगे बात करें तो इन्होंने 1943 से 1946 के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट भी रहे थे। इसके अलावा बात करें तो ये जो आर्टिकल 370 था, यानी कि 370 जम्मू कश्मीर संबंधित, उसके काफ़ी खिलाफ थे, क्योंकि ये इन्हें लगता था कि ये जो नेशनल यूनिटी जो है उसके विरोध में है। और इनका एक नारा भी था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इनकी जो मृत्यु हो गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस कस्टडी में 23 जून 1953 कर। इन पर आज भी जांच बैठी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए के द्वारा 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल यूएसए जो है 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, यानी कि वहाँ के जो 13 अमेरिकी कॉलोनी थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के, वे ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, जिसमें कई लोगों का योगदान था, जैसे कि थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि। तो इसे याद रखिएगा, 245वां स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट टॉपिक है गोमती प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल सीबीआई के द्वारा ये जो गोमती प्रोजेक्ट है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिस कारण से 189 लोगों पर केस दर्ज किया गया। ये तो न्यूज हुआ है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है गोमती नदी पर शुरू किया गया था 2014-15 में, जब वहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी। इसके बाद बात करें, ये न्यूज हो गई, अब चलिए जानते हैं गोमती रिवर का। तो ये जो गोमती नदी है इसे गोमती, गोमती या गोमती के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यह जो नदी है मानसून और ग्राउंड वाटर आधारित है, यानी कि मानसून से इसका जल जो है भरता है। इसके अलावा ये जो निकलती है यह पीलीभीत के पास गोमत ताल या फिर फुलहर झील, वहाँ से यह निकलती है। और वाराणसी से 27 किलोमीटर पहले यह सैदपुर कैठी के पास यह गंगा में मिल जाती है। तो यह गोमती नदी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूएई के होप ऑर्बिटर के बारे में। आपको पता है कि ये जो होप मिशन है यूएई का पहला मंगल मिशन है, जिसे फरवरी माह में भेजा गया था। इसे हमने डिटेल से पढ़ा भी था। इसके ऑर्बिटर के द्वारा, दरअसल ये जो ऑर्बिटर है वो मंगल ग्रह के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है। तो इसके द्वारा एक पिक्चर को कैप्चर किया गया है मंगल ग्रह पर ऑरोरा से संबंधित। दरअसल जो तस्वीर कैप्चर की गई इसे आप देख सकते हैं, यह मंगल ग्रह के चारों तरफ जो है अरोरा, यानी कि जो प्रकाश है वह बनता जा रहा है ना। जबकि आपने पढ़ा है कि जो हमारे पृथ्वी है उसके या तो नॉर्थ पोल पे या तो साउथ पोल पे, इन दोनों पे ही रहते हैं, है ना, ना कि यहाँ बीच बीच में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मंगल ग्रह उसके डार्क साइड की तरफ आप देखिए, ये पूरे मंगल ग्रह पर फैला हुआ है इस प्रकार से लाइट। तो यह क्यों अलग है ना, क्योंकि हमारे अर्थ पे थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही होता है। दरअसल ये जो ऑरोरा होते हैं ये क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि सूर्य से निकलते हैं। इसे आप ये जो सोलर विंड भी कह सकते हैं, जो कि ये जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। ये जो सोलर विंड है काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उस पर जियोमैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये जो है पृथ्वी के काफ़ी सारे जो भाग होते हैं उससे इसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर कई कारणों से यहाँ के वातावरण में प्रवेश करते हैं और यहाँ से जो गैस होते हैं वहाँ इंट्रैक्ट करके ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो सोलर विंड है वो क्या होता है, धरती पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आता है और यहाँ से इंट्रैक्ट करके इस प्रकार के प्रकाश बनाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस भी कहा जाता है। आपको ये वाला जो बोरियालिस है वो देखा जाएगा आपको उत्तरी ध्रुव में, कहाँ पे, ये यूएस के अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के पास। जबकि आपको दक्षिण ध्रुव में यह देखा जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड के पास आपको मिलेगा। तो आप जानते हैं कि ये जो मंगल ग्रह पे और धरती पे यह डिफरेंट कैसे हैं। देखिए हमारा जो पृथ्वी है उस पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है ना, जबकि ये जो मार्स है उसमें जो आयरन है यानी कि जो लोहा है वो पूरी तरह से पिघला हुआ है, और जिस कारण से हमारे ये जो है यहाँ पर या तो उत्तरी ध्रुव में या तो दक्षिण ध्रुव में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पिघले लोहा के कारण ये जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है जिस कारण से ये पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से लाइट देते हैं। तो ये है दोनों में अंतर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।